हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और पीक एंड टूल्स में। आशा करता हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज तो आपको लग रहा होगा ना मैं ये हेडफोन क्यों लगाया हूँ और मोबाइल लेके क्यों आ रहा हूँ। देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब हम हेडफोन पे गाने सुन रहे होते हैं और हमारे पास एक ही मोबाइल होता है, एक ही हेडफोन होता है और दो दोस्त होते हैं या दो भाई बहन हैं या फिर कोई भी है, दो फ्रेंड हैं, सबको अपनी अपनी पसंद का गाना एक ही टाइम पे अगर सुनना होता है तो एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और दूसरे को अपना मनपसंद गाना मिलता है। सपोज दैट मेरा दोस्त है, उसको जो गाना सुनना है, अगर मैं उसके पसंद का बजाऊंगा तो मुझे भी वही सुनना पड़ेगा क्योंकि हेडफोन में तो एक ही गाना बजेगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें आप इस वाले हेडफोन से अगर दोस्त के कान में लगाए हैं तो उसको दूसरा गाना सुनाई देगा और इस वाले ईयरफोन में दूसरा गाना सुनाई देगा। तो दोस्तों, आगे मैं बताने जा रहा हूँ उसी ट्रिक के बारे में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे पेज है, facebook.com/trickandtools, उसको जाके दबा के लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को फॉलो कर दीजिए, मैं वीडियो वहां पे भी डालता हूँ। और साथ ही साथ हमारा ये चैनल है trickandtools.com/c/trickandtools, ओके, तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि कोई वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आते हैं ट्रिक पे। दोस्तों, ये हेडफोन जो होता है इसमें देखिए दो स्पीकर लगे होते हैं, एक यहाँ लगा होता है और एक इस वाले में होता है, लेकिन गाना हमको एक ही सुनाई देता है। ये लेफ्ट वाला है और ये क्या है, राइट वाला है। तो जब यहाँ हमारे पास हार्डवेयर दो है, वायर दो है, स्पीकर दो है, तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही सकता है कि आसानी से हम इससे दूसरा गाना सुने और इससे दूसरा गाना सुने, क्योंकि एक स्पीकर में तो हम बजा नहीं रहे हैं। ये तो इकलौता, अगर देखा जाए तो इकलौता ये हेडफोन अलग है और ये स्पीकर अलग है। तो एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ऐप का नाम है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम प्ले स्टोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमको सर्च करना है स्प्लिट ऑडियो, स्प्लिट ऑडियो, और जैसे ही सर्च करेंगे ये स्प्लिट क्लाउड एक्चुअली सर्च करना है, ऑडियो नहीं सर्च करना है। तो ये जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है स्प्लिट क्लाउड डबल म्यूजिक प्ले, इसको आप, ये ब्लैक आइकन वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको आप टैप करके क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरे मोबाइल में भी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल होगा आप इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर आता है। तो अभी इंस्टॉलिंग चल रहा है, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये इंस्टॉलिंग जो है वो हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही ओपन होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है टैप टू लोड लेफ्ट ट्रैक और टैप टू लोड राइट ट्रैक। यहाँ नीचे में राइट वाला और ऊपर में लेफ्ट वाला, यानी ट्रैक का मतलब क्या, लेफ्ट वाला ये और राइट वाला ये, इन दोनों ट्रैक को अलग अलग आप साउंड ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे इसको टैप करता हूँ और इसका ऑनलाइन डायरेक्टरी भी है, उसमें से भी आप गाने सुन सकते हैं या फिर लोकल अपना कोई फाइल है तो भी बजा सकते हैं। तो सपोज दैट मैं ये लेफ्ट में बजा देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट में बजना शुरू हो गया मेरे, राइट में भी कुछ नहीं बज रहा है। राइट वाला टैप करता हूँ और यहाँ पे दूसरा, अब देखिए दो गाना, मुझे दो गाना सुनाई दे रहा है। बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि एक ही कान में उसमें दो अलग अलग गाने, बड़ा कंफ्यूजन महसूस हो रहा है। दोस्तों, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल निकाल के, हाँ इसमें दूसरा गाना है, ठीक है, इसमें, हाँ इसमें दूसरा गाना है। तो दोस्तों, आप जो पसंद, मान लीजिए आपका फेवरेट गाना राइट वाले में है तो आप राइट वाला अपने कान में लगाइए और लेफ्ट वाला अपने फ्रेंड को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा से बच जाएंगे आप, एक ही मोबाइल में मोबाइल फूटने से भी बच जाएगा और दोनों हैप्पीली अपना गाना एंजॉय कर सकेंगे और बोर भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से ट्रिक को ट्राई कीजिए। दोस्तों, ये बताइए कैसा लगा आपको ये ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है, बहुत लोग पहले से जान भी रहे होंगे, बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, तो जो लोग नहीं जान रहे होंगे उनके लिए है ये वीडियो और जो जान रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो आपके लिए भी ऐसा फैक्ट लेके आता हूँ जो अननोन रहता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को ट्राई जरूर कीजिएगा, ट्राई कीजिए और दोस्तों को अपने बताइए, और साथ ही साथ आप एक टेक प्रो बन करके उनके सामने अपना इमेज सुधारिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, बाय बाय।